नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ नाम के युवक की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ ने हवालात के ही टॉयलेट में जाकर टैप से अपनी जैकेट की डोरी से फांसी। वहीं अल्ताफ के पिता का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि 2 फीट ऊंची टैप से कोई कैसे फांसी लगा सकता है, क्या अल्ताफ 2 फीट का था। इस बीच अब ये मामला गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा है कि कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद है। लापरवाही के नाम पर कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। इस मामले में इंसाफ व भाजपा के राज में पुलिस में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए न्यायिक जाँच होनी ही चाहिए। 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जाकिया जाफरी द्वारा SIT की जांच को चुनौती दी गई है। उनकी तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि SIT की ओर से कोई जांच नहीं की गई, मामले में कोई बयान नहीं रिकॉर्ड किए गए और आरोपियों के ही बयान स्वीकार कर लिए गए और क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई। इसके अलावा ना कोई फ़ोन जब्त किया गया और ना ही कोई CDR रिकॉर्ड की जाँच की गई। पुलिस ने ये तक जांच नहीं की कि क्यों सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, सिब्बल ने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIT ने तहलका पत्रिका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के टेपों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें कई लोगों ने हिंसा, हथियारों और बम इकट्ठा करने में उनकी भागीदारी के बारे में खुले बयान दिए थे। गुजरात दंगों को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरी चिंता वास्तव में भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की तरह है, चाहे वह किसी भी समुदाय द्वारा हो। ये संस्थागत हिंसा है, जहां भी लावा जमीन को छूता है वह उसे डराता है और भविष्य में प्रतिशोध के लिए उपजाऊ धरती बना देता है। सिब्बल इस दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अपने नाना नानी को खो दिया, मैं उसी का शिकार हूँ। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि मैं किसी A या B पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन दुनिया को एक संदेश भेजा जाना चाहिए कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2002 गुजरात दंगों में SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि साजिश के मामले में प्रत्यक्ष सबूत नहीं होंगे, ये केवल उन परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है जिनके लिए आपको जाँच करनी है, सबूत इकट्ठा करना है, मौके पर जाना है, बयान दर्ज करना है। इनमें से कोई भी SIT द्वारा नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा कि हम बस इतना चाहते हैं कि एक जांच होनी चाहिए, यह हमारा पूरा मामला है। अगर कोई जांच नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के SIT का गठन करने का क्या उद्देश्य था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मीडिया से लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने जमकर निशाने पर लिया था। इस दौरान अभिनेत्री के बैंक खातों और FD को भी सील कर दिया गया था, लेकिन अब इसके एक साल बाद मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनके बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा अदालत ने चक्रवर्ती के मैकबुक प्रो लैपटॉप को वापस करने के लिए एक अन्य आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। इन दोनों मामलों के लिए NCB की तरफ से आपत्ति नहीं जताई गई। बुधवार सुबह सिंगू बॉर्डर पर एक किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। इस मामले में CRPC की धारा 174 के तहत जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान फतेहगढ़ साहिब जिले के रुड़की गांव निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। वह भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर से जुड़े थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के फतेहगढ़ साहिब के जिला संयोजक गुरजिंदर सिंह ने कहा है कि गुरप्रीत सोमवार को अपने गाँव से वापस सिंगू बॉर्डर पर लौटा था। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत पिछले 2 दिनों में किसानों के साथ अपनी बातचीत में इस बात से परेशानी जाहिर कर रहा था कि सरकार एक साल होने के बाद भी किसानों की मांगों को नहीं सुन रही है, वो इस गतिरोध को लेकर परेशान था। सिंह ने कहा कि पीड़ित ने अपने पीछे कोई नोट नहीं छोड़ा है, उसके बाएं हाथ पर एक शब्द लिखा है, जिम्मेदार। असम के नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने कहा है कि उन पर BJP में शामिल होने को लेकर दबाव है। न्यूज 18 से बातचीत में सैकिया ने कहा कि मैं दबाव में हूं, यह सच है कि मैं दबाव में हूं, लेकिन मैं चुनौतियों का सामना करूंगा। मैं विचारधारा के मुद्दों की वजह से BJP में शामिल नहीं हो सकता। मैं BJP में तभी शामिल होऊंगा जब वह कांग्रेस की विचारधारा को अपना लेगी।
सैकिया ने कहा कि बीजेपी असम में लालच देने की राजनीति कर रही है और हमारे विधायकों को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के विधायकों के लिए ब्लैकमेल करने की नीति इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैकिया ने कहा कि लेकिन उनकी पार्टी का ऐसा कोई भी विधायक जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है पार्टी नहीं छोड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक सचिव जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि विपक्ष के विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और कई विधायक हमारे संपर्क में भी हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ 32,240 किलोमीटर की पदयात्रा करने की योजना बनाई है। इसके अलावा 5,000 नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। इस दौरान नेहरू जयंती पर 14 नवंबर से 24 नवंबर के बीच 403 विधानसभाओं में भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के नारे के तहत पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रत्येक दिन न्यूनतम 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। पदयात्रा के दौरान महंगाई के समस्या पर नागरिकों के साथ बैठक होगी और घर घर कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र का वितरण किया जाएगा। पदयात्रा के रूट पर पड़ने वाले हाट बाजार में शाम को रोजाना नुक्कड़ सभा होगी। प्रत्येक विधानसभा में 80 किलोमीटर की पदयात्रा होगी जो न्यूनतम 60 ग्राम सभाओं से होकर निकलेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में 24,180 ग्राम स्तरीय बैठकें होंगी। नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर हो रही एनएसए स्तर की बैठक में शामिल 8 देशों द्वारा की गई घोषणा में कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी आतंकवादियों को पनाह देने, प्रशिक्षण देने या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान अफगानिस्तान में सुरक्षा, स्थिरता और शांति बनाए रखने पर एकमत होते हुए वहां की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने पर सहमति जताई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को अफगान संकट पर भारत द्वारा आयोजित 8 देशों के संवाद में कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम न केवल उस देश के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका क्षेत्रीय इलाकों में प्रभाव पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डोभाल ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच घनिष्ठ परामर्श और अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। बता दें, अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इसमें पाकिस्तान और चीन ने भाग नहीं लिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया है। मलिक ने कहा कि फडणवीस के आदेश पर ही पूरे महाराष्ट्र में उगाही और वसूली का काम किया जाता था। नवाब मलिक ने फडणवीस पर जाली नोट का कारोबार करने का भी आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि जब नोटबंदी हुई कई राज्यों में जाली नोट पकड़े गए, लेकिन एक साल के बाद भी 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट पकड़ने का केस नहीं आया। इसके पीछे कारण था फडणवीस का ऐसे नेक्सस को संरक्षण था। मलिक ने इसके साथ ही कहा कि 8 अक्टूबर 2017 को एक छापेमारी हुई, इसमें 14,56,00,000 रुपए के जाली नोट पकड़े गए। उस मामले को रफा दफा देवेंद्र फडणवीस ने कराया था। इसमें इमरान आलम शेख, रियाज शेख को पकड़ा गया, लेकिन बाद में इस जब्ती को 8,80,000 रुपए बताकर दबा दिया गया। जाली नोटों के कारोबार का आरोप फडणवीस पर लगाते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, मामला एनआईए को नहीं दिया जाता है। नोट कहाँ से आ रहे थे इसकी जाँच आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो लोग इसका रैकेट चला रहे थे उनको फडणवीस सरकार का संरक्षण प्राप्त था। नवाब मलिक के देवेंद्र फडणवीस पर हमले के बाद बीजेपी ने मलिक के हाइड्रोजन बम गिराने के दावे पर मजाक बनाया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हाइड्रोजन बम का दावा किया वो फुलझड़ी भी नहीं फोड़ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ, मुन्ना यादव, हाजी अराफात और हैदर आजम पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन अराफात और आजम के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। उनके बारे में पड़ताल के बाद ही उनको पार्टी में लिया गया था और इनमें से कुछ भी फडणवीस के समय में नहीं हुआ, जैसा दावा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान आलम शेख, जो नकली नोट के साथ पकड़ा गया था, उस समय वो कांग्रेस सचिव था और अब एनसीपी कार्यकर्ता है। नवाब मलिक के द्वारा देवेंद्र फडणवीस पर हमले के एक घंटे बाद फडणवीस ने लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक उद्धरण के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि मैंने बहुत पहले सीखा था कि सुअर के साथ कभी कुश्ती ना करें, आप गंदे हो जाते हैं और इसके अलावा सुअर इसे पसंद करता है। ऑनलाइन ब्यूटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं।
दरअसल नायका की पेरेंट कंपनी FNS ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के शेयर बुधवार को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेयरों में 89% की तेजी देखी गई। फाल्गुनी नायर, जो कि नायका के आधे मालिक हैं, उनकी इसके साथ ही संपत्ति $6.5 बिलियन की बताई जा रही है। इसके साथ ही वे दुनिया की सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आ खड़ी हुई हैं। बता दें, कंपनी का इश्यू प्राइस 1125 रुपये था, लेकिन ये 2054 रुपये पर लिस्ट हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।